आप सभी को नमस्कार। मैं इस समय हूँ नरसिंहपुरा पिग फार्म पे। नरसिंहपुरा पिग फार्म जयपुर के नजदीक चोमूर, चोमूर से तकरीबन 12 किलोमीटर, कालाडेरा से करीब 1 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ पिग फार्म है और यहाँ मेरे साथ में है रांची के फार्मर्स मिस्टर करण और मिस्टर राम। तो ये जयपुर से रांची इस पिक को लेके जा रहे हैं, गिल्ट से लेके जा रहे हैं। सर, क्या पसंद आया आपको यहाँ से जो आप यहीं से लेके जा रहे हो? जी सर, आपकी जो गिल्ट है वो बेहतर नस्ल की है, बहुत बढ़िया लगी हमें और अच्छी क्वालिटी की है, बाकी जगह से बेहतर है। और सबसे अच्छा जो आपका फार्म लगा, बहुत ही नेट एंड क्लीन है, बायो सिक्योरिटी का खासकर ख्याल रखा गया है। फीड आप कंप्लीट ड्राई फीड देते हैं जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेटर लगा, जिसलिए हम आपके यहाँ से आप गिल्ट लेके आए। जी, आप पहले से फार्मिंग करते हैं, पैसे सीखा है, इससे पहले क्या करते थे? नहीं नहीं, इससे पहले मैं डिफेंस में था, वहाँ से रिटायर्ड हुआ और आप जैसे लोगों को देख करके मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी अपना खुद का पिग फार्म करूं, तो पार्टनर के साथ मैंने इसे शुरू किया। बिल्कुल। और आप जैसे लोगों को देखा मैंने जो बेहतरीन तरीके से अपने पिग फार्मिंग को बढ़ा रहे थे, तो आपसे मैंने गिल्ट लेने का ये किया है। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ में है राम, इनके पार्टनर भी है, आप भी डिफेंस में है। आप ले जाते समय क्या क्या सावधानी बरतते हैं, क्योंकि नया फार्मर जब ले जाता है तो बहुत सारी चूक कर देता है, कमियां कर देता है, क्या क्या आप साथ लेके जा रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरतेंगे? जैसे हम यहाँ पे जानवरों के लिए सफिशियंट मात्रा में फीड लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि इन्हें स्ट्रेस ना हो जी, और इसलिए आपने भी बहुत सहयोग किया इन जानवरों को लोड करने के बाद। अभी नहलवा के हम ये थोड़े से बढ़िया से शांत हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से ले जाएंगे। फीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट हम अपने साथ रखें जी, फीड और पानी आप साथ ले जा रहे हैं। पर्स के ऊपर क्या बिछाया आपने? हमने यहाँ पे जो लकड़ी होता है उसका बुरादा बिछाया है ताकि वो ठंडा भी रहे, और घास डाली, हरी घास डाल दी है ऊपर से गिरे, और तिरपाल ऊपर से डाल देंगे ताकि ठंडी की मौसम भी है तो जानवरों को कोई दिक्कत ना आए। आप करें कि वो आप दिन और रात का सफर तय करेंगे, तो दिन के रात में आप तिरपाल डालेंगे और दिन में आप ग्रीन शेड लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों बताइए थोड़ा? वो इसलिए ताकि सुबह में थोड़ी धूप भी इन लोगों को लगे, इसलिए हम उसको ग्रीन शेड जी। तो देखा आपने, जानवर को चढ़ाते समय स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, और जो सफर के दौरान जो भी आवश्यक सामग्री है वो साथ ले जाना है, पानी फीड के साथ साथ में पर्स के ऊपर लकड़ी का बुरादा डाला गया है और घास भी आपने डाली है। और इनके पास पहले से भी फार्म है, ये लोग आप लोग कौन सी नस्ल पे काम करते हैं वहाँ पे? जी हम वहाँ पर जो झारखंड का बेसिक नस्ल है TND जी पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप काम करते हैं। आप बता रहे थे कि TND खरीदने के लिए तकरीबन 3 साल का वेट करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस बात का आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ की जो नस्ल है उसको अगर आप परचेज करते हैं तो 3 साल तक आप उसको वेटिंग में देना पड़ता है, उसके पैसे भी एडवांस जमा कराने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप ये बताइए, ये सफर आपका कितना तय होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है? जी लगभग ये 1350 कह सकते हैं, 1400 किलोमीटर के लमसम का ये सफर रहेगा जी, जिसमें दिन और रात हमें सफर करना पड़ेगा, जिसके दरमियान हमें पिक्स की देखभाल करनी पड़ेगी, फीड्स और बाकी चीज को उसे देखना पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो आपने यहाँ देखा कि लार्ज व्हाइट शायर जो नस्ल है बढ़िया अच्छी वाली क्वालिटी के लेके जा रहे हैं, तो हम लोग दुआ करते हैं ईश्वर से और इनकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कमाए, हम यही दुआ करते हैं। कांग्रेचुलेशन और बधाई हो आपको सर। राम सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो और उज्ज्वल भविष्य की। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और इस फार्म के जो मालिक हैं भीमा राम जी, आप पैसे से मैनेजर हैं, तो मैं ये भी आप इनको गले लग के धन्यवाद दे रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। हम इस तरह से काम करते हैं, आप दिन दोनों रात चौगली कमाई करें इससे हमारा। आप यूथ है, 16 साल आप फौज में नौकरी की है, नए फार्मर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग लाज के भय से, लोग कमेंट्स करते हैं, लोग काम नहीं कर पाते, क्या इसको देखा आपने? जी सर, इसकी जो कंजप्शन है बहुत ज्यादा मात्रा में है और उसके हिसाब से जो इसका प्रोडक्शन है बहुत ही कम है, तो इस फील्ड में हमें बहुत हमारे पास चांसेस बहुत है ग्रोथ करने के। तो मैं आने वाले यूथ को यही कहूंगा कि जिस तरह से समाज इसे एक गलत नजर से देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे हम इसे ले सकते हैं और इसमें बहुत स्कोप है आगे बढ़ने के, पैसे अर्न करने के। सर राम सर, राम सर हाय, आप कुछ कहना चाहेंगे यूथ को? जी सर, मैं ये कहूंगा कि जैसे पहले हम लोग ये सोचते थे बड़ा ही गंदा काम है, तो इस भ्रांति को हटा के, और अभी आपके फार्म पे मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि कई घर इतने साफ नहीं होते जितना आपका फार्म साफ सुथरा है, और हम दिन भर यहाँ सुबह दोपहर से आए हुए हैं, अभी तक स्टे कर रहे हैं, हमारी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सभी को करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा घर रोजी रोटी बढ़िया से चलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको जो गिल्ट जारी है वो भी आपको दिखा देता हूँ, और इनके लिए पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था है और सामने फीड भी ऊपर रखी हुई है, और इनके ऊपर पहले निशान किए गए थे, और ये देखिए बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की नस्ल है, इनको बहुत प्यार से पाला पोसा है, तो आप इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मैं ये जो फार्म है, इस फार्म को आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये फार्म बनाया गया है। ये 60x60 का ये फार्म है और ये दो है फार्म इसमें,
तो मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से ये बनाया हुआ है। और इन सब को हमने राइटिंग कर चुके हैं, ये फार्म है। और दूसरा दो तरीके से है, यहाँ पे गिल्ड्स और फेटने का जो है खस्सी का माल रखा जाता है। चारों तरफ ये कवर भी है ठंड से बचने के लिए। और अब तक ये ड्राई फीड पे था, ये काफी अंधेरा हो चुका है इसलिए हम अंदर का आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ये फार्म को मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। और ये दो है पार्टों में बना हुआ है, ये माधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और जो बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खस्सी माल है और उसमें गिल्ड्स भी इसमें रखी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरह की है। और फीड यहाँ पे प्रॉपर ब्रांडेड फीड रॉयल ग्रीन की फीड इनका इनको दी जाती है। ये है हमारे रांची के TND ब्रीड, ये है हैम्पशायर, ये यॉर्कशायर। अभी दो दिन पहले नरसिंहपुरा से राजस्थान से लाया हूँ रांची। ये बच्चे हैं, ये सारी ब्रीड भी नरसिंहपुरा राजस्थान से लेके आया हूँ। ये है हमारा नर सुपर सांड।